चंपत राय बंसल बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय विश्व हिंदू परिषद का संयुक्त आंचलिक संयोजक सचिव था। सीबीआई के आरोप पत्र में आरोपी चंपत राय रिपोर्टर से बातचीत के दौरान यह स्वीकार करता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय वह मौजूद था। चंपत राय इस बात से साफ मना कर देता है कि लक्ष्मण सेना को बनाने में उसका कोई भी योगदान था। तय किया था कल ऐसा करेंगे जी। मैंने इतना कह दिया था कि ये योजना आपकी सफल नहीं है। क्यों क्यों नहीं होगी? ये लाखों लोग आपकी कोई बात नहीं है, किसी के नियंत्रण में नहीं होगी। क्यों? कोई किसी का नेता नहीं, भीड़ में सब वही आते हैं जिन्हें तुम बुलाते हो। भीड़ का मतलब ही है भीड़। अपने आप को बचाते हुए चंपत राय यह बताता है कि बाबरी मस्जिद को गिराने के बारे में बात करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। चंपत राय के अनुसार सबने मिलकर तय किया था कि कल ऐसा करेंगे। मैंने इतना कह दिया था ये योजना आपकी सफल नहीं होगी, लेकिन चंपत राय खुश होते हुए कहता है कि रावण को खत्म कर दिया गया। चंपत राय के अनुसार मुझे दुख नहीं, मुझे प्रसन्नता है। रावण मरा, समाज प्रसन्न हुआ कि नहीं, आज तक प्रसन्नता व्यक्त करता है कि नहीं। लेकिन हमने योजना बनाई, अगर ये कहोगे तो हम कहेंगे। अडवाणी जी ने अभी कहा कि हमें दुख है। देखो, हर एक को अधिकार है, मुझे दुख नहीं, मुझे प्रसन्नता। रावण मरा, समाज प्रसन्न हुआ कि नहीं, आज तक प्रसन्नता व्यक्त करता है कि नहीं। लेकिन रावण को प्रसन्नता व्यक्त करने वाले समाज ने मारा कि एक राम ने मारा? राम ने मारा। राम ने मारा कि विभीषण ने मारा? राम ने मारा। विभीषण की भूमिका नहीं है, है। विभीषण अगर ना होता तो राम मारता नहीं। हमें प्रसन्नता है कि वो समाप्त हो गया, हमें प्रसन्नता है कि रावण मर गया। हम हर साल खुशी व्यक्त करते हैं, लेकिन हमने नहीं मारा। मैं समझता हूँ विश्व हिंदू परिषद ने या जो भी लोग वहां उस दिन मौजूद थे, उन्होंने उस दिन या उससे पहले उसके तोड़ने की कोई योजना नहीं बनाई, लेकिन वो वहां से हटे, ये हम सब चाहते। लेकिन जिस ढंग से हटा वो योजना किसी की नहीं, हट गया वो किसी की बात, दुख किसी बात का नहीं। हम तो पहले जब नया मंदिर बिना हटे कैसे बनता, बिना हटे नया मंदिर कैसे बनता।